हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना लेग्स वर्कआउट। एंड इससे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगा यार वो है मेरी स्ट्रेचेस। मैं वैसे तो स्ट्रेचेस जो है डेली बेसिस पे करता हूँ, बट लेग्स वाला दिन जो होता है ना अपने स्ट्रेचेस सब ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज यार लेग्स वाले दिन आप एक तो बहुत हैवी करते हो और इंटेंस करते हो, एंड इंजरी होने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं जो यार पहले अपने ग्लूट्स हो गए, क्वाड्स हो गए, काफ्स हो गए, सबका स्ट्रेच करता हूँ सो दैट मेरे मसल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए एंड उनमें ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज़ हो जाए, सो दैट एक्सरसाइज करते हुए पम्प भी अच्छा है और इंजरी के चांसेस भी कम हो जाए। तो आज का जो मेरा लेग्स वर्कआउट है वो मैंने अपने जो है ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, इन सब पे मेनली फोकस करा है। तो आज जो है मैंने यार स्क्वाट्स नहीं करे अपने लेग्स में, बिकॉज आज मैं लेग्स जो है वीकली 2 बार करता हूँ। तो आज मैंने अपने क्वाड्स सब पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं करा, उनको रेस्ट दिया एंड अपनी लोअर बैक जो है उसको भी ब्रेक दिया, बिकॉज इतना स्क्वाट्स हैवी डेली बेसिस पे करो तो लोअर बैक जो है वो रिकवर नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैंने जो करे हैं सारे स्ट्रेचेस करे हैं। सो यार सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट करी है वो है हिप थ्रस्ट। आप देखोगे हिप थ्रस्ट जो है बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज यार इसकी जो बारबल के वेट होता है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एंड ग्लूट्स देख के भी बहुत लोग जो है ये एक्सरसाइज करते नहीं हैं। बट आई थिंक अगर आप देखोगे स्क्वाट्स जितने हैवी होते हैं करने, ये एक्सरसाइज भी उतनी ज़्यादा ही लिफ्ट करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने करी है हिप थ्रस्ट, और इसके मैंने 4 सेट करे हैं। पहले सेट में 12 रैप लाइट वेट से, फिर मैंने धीरे धीरे वेट बढ़ाया, बिकॉज पहले में यार थोड़ा होता है ना मसल एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद थोड़ा हैवी कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग हैवी करूँगा तो यार इंजरी होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके मैंने 4 सेट लगाए हैं और इसको पूरा प्रॉपर करा। एंड इसकी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यार, एक तो आपकी पोजीशन और आपकी जो नेक मूवमेंट होती है उसको अवॉइड करना होता है, सो दैट आप जो है अपने प्रॉपर मसल पर वर्कआउट कर रहे हैं। यार दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने करी है अपनी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए वो है केबल पुल थ्रू। एंड इसमें जो है यार सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ऊपर जाते हुए आप अपना जो ग्लूट्स का मसल है उसको पूरा प्रॉपर लॉक करो, सो दैट मूवमेंट जो है वो पूरी आपके मसल पे फील हो एंड पम्प भी जो है बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसको ऊपर लॉक करोगे। सो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की। थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने करी है यार वो है गॉबलेट स्क्वाट्स। एंड इसका मैंने जो डंबल का है मतलब थोड़ा हैवी वेट लिया, एंड इसमें हमारे जो है क्वाड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसके भी मैंने यार 4 सेट ही लगाए हैं, 12, 10, 8, 8। एंड इसमें मैंने थोड़ा हैवी करा था बिकॉज मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा थी अभी, तो मैंने इसको थोड़ा हैवी करा एंड इसके मैंने 4 सेट लगाए। सो यार हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो ग्लूट्स की हो गई वो है लेग कर्ल। एंड इसके भी यार मैंने 4 सेट लगाए, बट सच बताऊँ यार यहाँ आते आते ना एनर्जी ख़त्म हो गई है, बिकॉज यार इतना ज़्यादा हैवी हो गया है लेग्स का, तो इसको कुछ भी करके मैंने ख़त्म करी। एंड इसमें भी जो है यार मैंने बहुत हैवी करा है, बिकॉज यार एनर्जी जो है पूरी अपनी बॉडी की जो है सारी निकालनी है, बिकॉज डाइट हैवी है, इतनी एनर्जी है तो जिम में भी पूरा प्रॉपर एनर्जी जो है लगानी है ना, फिर तो वर्कआउट भी पूरा 100% इफेक्टिव करना है। तो ये मेरी हो गई ग्लूट्स की चौथी एक्सरसाइज लेग कर्ल। So finally हमारी लेग्स की लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है काफ्स, एंड ये हमारी 5th एक्सरसाइज है। एंड यहाँ तक आते आते यार मेरे लेग्स इतने ज़्यादा पम्प हो गए थे कि यार ये करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे, बट इसके मैंने जो है पूरे 4 सेट करे। एंड इसमें मैंने इतना काउंट नहीं करा, इसमें जितना मैक्सिमम हो सका मैंने उतने करा। एंड इसके मैंने 4 सेट लगाया, अपना यह वर्कआउट कंप्लीट करा और उसके बाद अपना प्रोटीन पिया और लंच करा। ये होता है हमारा लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट। सो यार अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना एंड कमेंट करना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो यार। Hope to see you again on the next video. Bye. Thank you.